single day. I'm gonna make. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ वन वीक में कलर वाइट करने का तरीका। इस रेमेडी से अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह हैं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही आसान रेमेडी है, आप घर में इसको ईज़िली बना सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरत हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी रेमेडी शेयर करूँ जो कि आप घर में आसानी से बना सकें और आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। और इंशाल्लाह ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं हनी, और दूसरी चीज़ जो है वो है दही। दही हम लेंगे 1 टेबल स्पून। हनी जो है ये बॉडी को सेहतमंद रखने और जिल्द को जगमगाने के लिए बहुत ही बेस्ट है, और ये सुन्नत नबवी में भी इसको बहुत ही बेहतरीन करार दिया गया है। इसमें हम हनी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून से भी, आपने थोड़ी सी कम ही ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून दही लेंगे, उसमें 1/2 टेबल स्पून जो है आप हनी ऐड कर दें, और इसको आपने मिक्स करके रोज़ाना अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करना है 5 से 6 मिनट, और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इंशाल्लाह आपको 1 वीक में ही इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। जितने भी रिंकल्स वगैरह हैं या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी है या आपकी स्किन सांवली है, तो इससे आपका कलर बहुत ही वाइट हो जाएगा, रिंकल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर स्किन रेड हो चुकी है और उसके ऊपर सोजिश वगैरह जैसे हो जाती है पिम्पल्स वगैरह की वजह से, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हनी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, ये कुदरती मॉइस्चराइज़र भी है क्योंकि इसमें शामिल शुगर मॉलिक्यूल जिल्द में नमी को बरकरार रखते हैं। अगर आप जले हुए ज़ख़म पर शहद लगा दें तो ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो जाता है और इसमें सूजन भी कम होती है। और दही जो है, दही सेहत के साथ साथ खूबसूरती भी प्रदान करता है चेहरे पर। इसका इस्तेमाल चेहरे की खुश्की, सांवलापन और रिंकल्स वगैरह को दूर करने में भी मदद देता है। स्किन के अलावा आप अपने बालों पर भी लगा सकती हैं। दही को बालों पर लगाने से बाल बहुत ही नरम मुलायम और शाइनी हो जाते हैं और बहुत ही सेहतमंद और मज़बूत हो जाते हैं आपके बाल। तो आपने बालों में जो है हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करना है, उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद अपना जो है सर वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।